नमस्ते, मेरे और BSC इंस्टीट्यूट की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। अपन पढ़ रहे हैं क्या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक है क्या अक्षीय कंकाल तंत्र या अक्षीय कंकाल तंत्र एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा है क्या उपांगीय कंकाल तंत्र पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है ना, इसमें बताया था ये हड्डियां फ्लैट होती है, ये कैसी होती है आपको बताया था। इसमें लिम बोन्स आती है, लिम बोन्स का मतलब ऊबर खावड़ हड्डी आती है, हाथ पैरों की हड्डी आती है। समझ में आया कि नहीं आया। हम पढ़ रहे हैं नंबर एक पे क्या अक्षीय कंकाल तंत्र, इसमें कितनी हड्डियां आती है 80, इसमें कितनी आती है 126, मिलके हो जाती है तुम्हारी 206 हड्डी। बचपन में कितनी रहती है 300 से अधिक। क्लियर है, जो अपन ने बताया कि अक्षीय अंदर का पूरा पढ़ेंगे हम, इसमें यहां से लेकर यहां तक का है ना ये, और इसमें इसे छोड़कर पूरा भार का है। ठीक है ना, अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां आती हैं। कितनी हड्डी आती है 80, 80 में कौन कौन सी हड्डी आती है, तो मैंने बताया था सिर की हड्डी। कहां की हड्डी? सिर की। सिर की हड्डी में मैंने आपको बताया यहां तक की हड्डी आती है, हाँ या ना? कितनी हड्डी आती है 29 हड्डी, क्या ना है सब, कितनी हड्डी आते हैं 29 हड्डी आती है। ठीक है ना, फिर चेस्ट बोन बताई थी आपको एक होती है ये, हाँ या ना, चेस्ट बोन। फिर पसलियां बताई थी 12 जोड़ी होती है, 12 आते हैं और 12 आते हैं, तो कितनी हो गई 12 जोड़ी, हाँ 12 जोड़ी हो गई। रीढ़ की हड्डी बताई फिर आपको, ठीक है ना, बैक बोन, उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है 26, कुल मिला के हो गई कितनी 80। नंबर एक पे देखा अपन ने सिर की हड्डी को, सिर की हड्डी में अपन ने देखा, सबसे पहले हमने सिर की हड्डी में देखा क्या टेनियम बोन, क्या देखा खोपड़ी की हड्डियां। ठीक है ना, कौन सी हड्डियां खोपड़ी की हड्डी, खोपड़ी जहां से चालू होता है जहां कान के ऊपर ऊपर, ये बताई थी ना ऐसी। ठीक है ना, तो नाम याद तो तुम्हें हो गए थे परसों के दिन, मतलब पहले से याद है तुम्हें सब। आओ एक बार हो जाए मंत्रों का जाप करें, अब देख देख के क्यों गए ईमानदार हो। ये कौन सी हड्डी है पेंटल, कौन सी है ये पेराइटल। ये मंदिर में आरती किस मुंह लाते हैं, ऐसो मुंह ला रहा होगा बाय में पकड़ के खड़ो करके, फिर बाद से सभी हड्डी इनके नाम नहीं तो बाकी हड्डी, इसलिए नाम सही उच्चारण करें। समझ में आया कि नहीं, नहीं तो भाई खड़ो कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये कौन सी हड्डी है पेंटल, कौन सी है कितनी, ये लोग कर नहीं पा रही है, ये बुलेट ट्रेन है ये रोक नहीं पा रहे, बुलेट ट्रेन है ये, चढ़ जाओ तो ना ठंडक ले लो। फ्रंटल कितनी है एक, अपन कितनी करने है, कितनी करने है आठ, एक हो गई। अगली कौन सी है पेराइटल, कितनी है दो, पेराइटल दो है, ये है पेराइटल। ठीक है, ये फ्रंटल की ऊपर जीत इधर चली गई और इधर चली गई, ठीक है ना, कौन सी हो गई ये पेराइटल। नंबर तीन टेम्पोरल, कौन सी है टेम्पोरल, एक दो, कितनी टेम्पोरल दो, पांच हो गई। ठीक है ना, तीन हड्डी हो गई, तीन के नाम हो गए, संख्या हो गई पांच, चौथी तो
ऑक्सीपिटल, ये पूरा का पूरा क्या है? ऑक्सीपिटल, ठीक है ना। छोटा दिमाग अपना छोटा है ना भैया, अपना ये नाजुक सा भैया ये, ठीक है ना। कौन सी हड्डी है ये? ऑक्सीपिटल। कितनी होती है? एक। कितनी हो गई? छह। अगली अगली स्पिनोइड, क्या नाम है? स्पिनोइड। कितनी? एक है अंदर, जिसमें क्या रहती है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। अगली एथेमॉइड, क्या है? एथेमॉइड। याद कर रहा है, याद बनी रहे यार। अब दावे सही है, मैं क्या करूंगा। एथेमॉइड इतिया मोड़ी। याद हो जाएगी नहीं? भूलना पाए और क्या करें अपन, भूलना नहीं चाहिए। साइंस है, क्या करें, याद करना पड़ता है। अब तो ये अजीब आते हैं, पता नहीं कौन ने बनाई है, नाम ऐसे कौन ने रखे, भगवान ने तो नहीं रखे थे, इनने रख लाए तो अपन ने अपने रख लाए। इतिया मोड़ी, ठीक है ना। तो एथेमॉइड नाम से देखो कितना लग रहा है, एथेमॉइड। इथिया नहीं, कितनी मोड़ी बुलाई? एक। हो गई कितनी संख्या? आठ। याद हो गए किस किस को हो गए याद? ऐसा बलशाली कौन है कोचिंग में बाहुबली जो सुना दे? अरे सब रही हो गए। अगला कटप्पा कौन है फिर? जो नहीं सुना पाएगा वो बल्लाल देव है। तुम नहीं सुना रहे, सुना दोगे? नहीं लग भी रहा है बल्लाल देव, क्या नहीं सुना रहा? पहली क्लास है साइंस की, फिर कोई दिक्कत, तूने पिछली नहीं ली थी, बढ़िया है। चलो याद हो गए सबको, ठीक है ना। तो ये सिर की खोपड़े की हड्डियां हो गई, कौन सी? क्रेनियम बोन हो गई, क्लियर है। ये जो ऊपर का पूरा रहता है, जहां हम हेलमेट पहनते हैं, तो जिसके ऊपर पहनते हैं वो क्या कहलाता है? क्रेनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इसकी सुरक्षा जरूरी है, समझ में आया ना। ये फट गया मतलब मर गया, अगर इसमें खून निकल आया तो व्यक्ति बचना संभव नहीं है। इधर और लग गई तो फिर तो ऑन द स्पॉट ही खत्म है, या मैं शायद हॉस्पिटल तक जाने तक समय मिल जाए तो पहुंचा जा सकता है, कि ये तो ऑन द स्पॉट ही खत्म है, नाजुक रहता है ये, और ऑपरेशन संभव नहीं है। देखो ऊपर थोड़ा बहुत लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा चोट आई और खून ज्यादा बह गया तो फिर नहीं बच सकता, क्योंकि इनके अंदर जो नसें पाई जाती हैं, न्यूरॉन बोन जो नसें पाई जाती हैं, वो इतनी बारीक रहती हैं, बाल जैसी, उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनको गलत कनेक्शन होगा, तुम समझ रहे ना क्या ऐसे कर दे वो। एक ये और ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें हैं हमारी, एक इनका ऑपरेशन संभव नहीं हो पा रहा, साइंस अभी इसमें पीछे है। जिस दिन इसका और कर लिया ना तो वो पूरे मानव को बचा सकता है। एक रीढ़ की हड्डी में किसी को ज्यादा चोट आ गई, बचना मुश्किल है, क्योंकि हमारे ये सेकंड ब्रेन है, फर्स्ट ब्रेन ये, सेकंड ब्रेन कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड हमारी, क्या? स्पाइनल कॉर्ड सेकंड ब्रेन है, पढ़ाया मैंने आपको, हाँ या ना। ये इधर से कमर से नीचे का पूरा जो भाग है हमारा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन ये सेकंड माइंड ही संभाल रहा है, यही देता है सारे सारे पूरा का पूरा। यहाँ समझ आया कि नहीं आया? आपके इधर का पूरा ऑपरेशन जो होना है, ऑपरेशन जो होता है इधर ही तो सुन किया जाता है, क्योंकि ये माइंड सुन कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएगा इसको तो इसे पता ही नहीं चलेगा कुछ हो रहा है क्या। समझ में आया कि नहीं आया? तो इधर आप जानते हैं इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं बेहोशी के, और फिर ऑपरेशन ठीक होता है कि नहीं होता, अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में, पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये पढ़ लिया, पढ़ने कितनी हड्डी हो गई बताओ? आठ हो गई यार, हाँ आठ हो गई, ये नाम हो गए। अगला पढ़ रहे थे अपन चेहरे की हड्डियां, कौन सी हड्डी? फेशियल बोन, कौन सा बोन? फेशियल बोन, ठीक है ना। अब फेशियल बोन में हमें पढ़ना है 14 हड्डी, कितनी हड्डी पढ़ना है? 14 हड्डी, कितनी? 14। कान की हड्डी को छोड़कर, कौन सी हड्डी छोड़कर? कान, कान अलग ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे जी, है कि नहीं है? इन्हें तो अलग पढ़ेंगे, इनका डिपार्टमेंट अलग है। अभी ये पढ़ रहे हैं ये हड्डियां, तो देखिए ये आंख है, आंख के नीचे
कौन सी पढ़ाई थी? जायगोमेटिक। कौन सी? जायगोमेटिक, ठीक है ना। फिर मैंने आपको ये बताई थी, आपको ये ऊपर वाली हड्डी जो ऊपरी जबड़ा रहता है, मैक्सिला। कौन सा? मैक्सिला। दो नाम और बताए थे आपको, मैक्सिलरी बताए थे और मैसेस्टर बताए थे। बोला हुआ मत करू करे यार, आधो कंकु के को आधो कंकु नाम ले देंगे। मैक्सिला क्यों? हाँ, मैक्सिलरी और मैसेस्टर यही बताए थे ना, एक के तीन नाम बताए थे, मैक्सिला के तीन नाम, ठीक है। एक मैक्सिलाई, एक मैसेस्टर, एक मैक्सिलरी। ओ हाँ, क्लियर है। फिर बताया था आपका नेजल, क्या बताया था? नेजल। ये नेजल है, संख्या नहीं लगाई इनकी, नेजल दो है, दो, एक लगाया था, दो है, दो, एक जे और एक जे, इधर और इधर, नेजल। नाक की हड्डी, ये देखो इधर तो क्या है, कार्टिलेज है, जे उपास्थि, इधर जो ऊपर तो कड़क है ना, तो इसे कहते हैं नाक की हड्डी। नाक की हड्डी कहते हैं क्या? नेजल। एक दो, एक पाव तो लिख लो, लिख पाए? फिर ये बताया था तुम्हें नीचे का जबड़ा, हाँ या ना, इसको नाम कहलाता है क्या? मेडिवल। क्या? संख्या एक। मुझे लगता है मैंने यहीं तक कुछ पढ़ा दिया होगा आपको, तो और कछु भी पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाए थे, बहुत बढ़िया किया हमने। अब पहले सुन लो, फिर आगे अपन पढ़ते जाने, पूरा एक एक नाम लिखना नहीं है, कहिए कसम है पेन की, जैसे लिखा छो, ठीक है ना। तो सुने याद, अब मेरे साथ रिपीट नहीं करना है किसी को, सुन दीजिए फिर अपन एक एक करके लिखेंगे, ठीक है ना। सुनिए, ये आंख के नीचे की हड्डी है, नाम है जायगोमेटिक। कौन सी है? जायगोमेटिक। इधर भी है और इधर भी है, तो कितनी संख्या? दो। फिर पढ़ा है मैक्सिला, क्या? मैक्सिला। संख्या कितनी? दो। कितनी हो गई? अरे दो नाम पर बोल दिया हमने, ठीक है। फिर पढ़ा है नेजल, इधर और इधर, क्लियर है। फिर पढ़ा है मैडिवल, क्या पढ़ा है? कोई दिक्कत? ये जो नाक की हड्डी है ये वाली, इसके अंदर, सिर के अंदर एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है बूमर। क्या है? बूमर हड्डी, या बीमर नाम लिखा रहता है, क्लियर है ना। और इसके जस्ट पीछे यहां पाई जाती है पीछे इंफीरियर कोकाई। क्या नाम पाया जाता है? इंफीरियर, इंपीरियर कोकाई। इंपीरियर का मतलब होता है पीछे की ओर। क्या पाई जाती है? इंपीरियर कोकाई या कोकाई, क्लियर है। याद हो रहा है, मतलब याद नहीं, समझ में आ रहा है जो नाम ले रहे हैं हम, ठीक है ना। मैं आपको बताता भी जा रहा हूं कहां कहां पर कौन सी हड्डी। सबसे पहले जायगोमेटिक, मैक्सिला, मेडिवल, नेजल, बीमर और पीछे के इंपीरियर कोकाई, क्लियर है। अब देखिए इधर ध्यान से, ये देखिए यहां पे आंख लगाई, यहां आंख के अंदर, यहां कीचड़ आता है, यहाँ कचड़ा आता है कि नहीं? हाँ है ना। और इधर भी है, तो दो हड्डी ये हैं, ठीक है ना। लैक्राइमल, कौन सी कहलाती है? लैक्राइमल, लैक्राइमल। सुनो पहले मेरी, सुन तो जाओ, तुम नाम में जानते रहोगे, अभी बोर्ड पे लिखाएंगे ना, सुन तो लो पहले। लैक्राइमल नाम की एक ग्लैंड भी होती है, ग्रंथि भी होती है, जिससे आंसू आते हैं। जो आंसू आते हैं हमारे, वो कौन सी ग्रंथि से आते हैं? लैक्राइमल ग्रंथि से। कौन सी से? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कितना है, ये कितना है, तो कितनी हो गई? तो ठीक है। अब आप देखिए मुंह के अंदर जाएं, तो ऊपर वाला भाग जो जीभ पर टच होती है, तो फर्क आ गया कि नहीं? हाँ है ना। तो जिसे हम तालू कहते हैं, क्या कहते हैं? तालू। एक ही है, पेलेट कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? पेलेट, हार्ड पेलेट। हार्ड, हार्ड होता है कि नहीं होता, मतलब कठोर तालू, कठोर भाग है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? तो हाँ, इन हड्डियों को पढ़ते हैं, ये 14 प्रकार की हड्डी। कितने प्रकार की बताइए, गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 14। तो लिख ली हमने जायगोमेटिक दो, मैक्सिला दो, नेजल दो, मेडिवल एक, कोई दिक्कत? अगला लिखें आप, पांचवा लिखो।
कोमर। संख्या गिने एक बार, ये दो हो गई तो चार पांच छह सात आठ, इंफीजे को आठ और दो दस, एक ट्राइमल कितनी हो गई बारह, और प्लेट पेलेट हो जाती है दो, तालू में दो भाग दोनों साइड एक फाइव दो साइड, तो कितनी हो गई टोटल मिला कितनी हो गई चौदह, कितनी हो गई चौदह। नहीं याद करने अभी आ लें पूरे नाम ले आएंगे, चौदह बे चौदह जे और आठ बे कितनी हो गई बाईस हो गई, कितनी बाईस। अभी नाम लेने अपन तो अब एक बार पढ़ें आप सब शुरू से, देखते जाना आप ध्यान से, ये कौन सी है जायगोमेटिक, कौन सी है जायगोमेटिक, जायगोमेटिक ये कौन सी है, ये जायगोमेटिक से लगी हुई ये वाली हड्डी कौन सी आ जाती है मैक्सिला, कौन सी है मैक्सिला, ये वाली कौन सी हो जाती है पेडिवल, क्या हो जाती है क्लियर है, ये कौन सी हो गई नेजल, नेजल के ऊपर कौन सी है अंदर गोमर, कौन सी है गोमर के पीछे इंपीरियल कोकाई, इंपीरियल क्लियर है। ओ हाँ अब आगे जाइए दोबारा से, तालू क्या नाम कहते हैं पैलेट कहते हैं, क्या कहते हैं पैलेट, क्या कहते हैं पैलेट, क्लियर है। ओ हाँ पैलेट के बाद मैंने आपको आंसू आने वाली हड्डी के पास की हड्डी बताई थी, कौन सी है डेक्राइमल, डेक्राइमल क्या नाम है क्लियर है, इसी नाम की ग्रंथि होती है जिससे क्या आते हैं आंसू आते हैं, डेक्राइमल ग्रंथि भी होती है जिससे क्या आते हैं। पेपर में अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते, ऊपरी जबड़े को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मैक्सिला, क्या कहते हैं निचले जबड़े को क्या कहते हैं मैडिवल, याद रहेंगे। आंसू आने वाली ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, नाक की हड्डी को क्या कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया तो पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन आया था पेपर में, हथौड़े के आकार जैसी हड्डी कौन सी, क्या आया था हड्डी कौन सी है, तो अभी पढ़ेंगे अपन, है ना, कौन सी होती है पहले सुन ले, याद कर ले, याद हो गए ना हम, याद कौन कौन सुना देगा आप, अच्छा मैं नाम ले रहा हूं आपको संख्या बोलते जाना है कि दो है कि एक है जी, ठीक है ना, जायगोमेटिक जायगोमेटिक मैक्सिला
मेडिवल आपको गुद्दू कह रहा है, गलत नहीं है आरजी, तो काम खराब हो जाएगा, तू जबड़े धुरी आएंगे अपने नीचे, ये कही है कि नहीं है, तो मेडिवल पेलेट क्या हाल है तुम्हारे, तुम्हें कहते हो लाइन बाय लाइन देंगे हम पेलेट नेजल दो उमर इंपीरियल लड़ लो कितनी है दो भूल जाते हो हर सवार ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, ऐसे काम चलतेगा ले क्राइमल दो कितने हो गए अपने 14 ही लाओ लेके दो दोबारा होश में रहना है भैया है ना, बेहोशी में आंसर नहीं देना है, जायगोमेटिक दो मैक्सिला मेडिवल बहुत बढ़िया नेजल निक्राइमल उमर इंपीरियल निक्राइमल पैलेट पागल हो रहा है हो गया हाँ तो हमने कब कही एक अब अपने अरे सुनो आज डट जाओ तनक अपने आप से बोलकर देखो कि आप संख्या 14 गिन पा रहे हैं क्या, आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करें सिद्ध कर लो इन्हें देख के नहीं करने यार वही याद पूरी पूरी कितनी हड्डी हो गई आज ना आठवे देख के देखना 22 हड्डी देखो बिना देख लिखे देख मत देख के मत लिखना अपना अपना ईमानदारी है याद हो जाए जिसकी एक बार है लालो जय में बेईमानी कर लो तुम्हें हो गई 14 याद तुम 14 लिख दो इनकी पहली क्लास है वे 14 लिखे इनने पिछली क्लास ले ली थी वे 22 लिखे तो आपको मैंने 22 हड्डी याद करा दी फिर लेकिन 29 करना है अबे क्योंकि हमने सिर में कितनी हड्डी पड़ी है 29 कितनी केवल यहां पर कितनी है 8 कितनी है इधर कितनी है 14 क्लियर है अब इनकी हड्डी पढ़ ले देखो कान की हड्डियां ईयर बोन कान की हड्डियां ईयर बोन कर्ण अस्थि देखना इधर 3 इसमें है और 3 इसमें है तो टोटल कितनी हो गई 6 तो 6 होगी संख्या कितनी है 6 हड्डी की है ठीक याद कराई थी आपको मैंने 6 की कह दी एम आई एस याद रखना है आपको एम आई एस एम फॉर याद करेंगे हम मेलियस मेलियस या कहीं पे लिखा रहता है मेलिस या तो मेलियस या मेलिस ठीक है
आई फॉर देखो, आई फॉर होता है इंकस, इंकस क्लियर। एस फॉर क्या होता है सिपीज, सिपीज लिख लीजिए, सिपीज सबसे छोटी हड्डी होती है कि नहीं होती, जानते होंगे आप शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, लिख सकते हैं उसकी विशेषता आप, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है सिपीज। बारे में बताए सबसे छोटी हड्डी, अभी विशेषताएं अपन अलग से पढ़ेंगे सबके पर आते जा रहे हैं तो बता दिया जा रहे हैं सब हड्डी। ये जो मेलियस लिखा है या मेलिस, ये हथौड़े के समान हड्डी होती है, थोड़ा देखा है आपने किस आकार की हड्डी रहती है, कौन सी लिया देख लिया, तो तीन हड्डी होती है, नहीं एक कान में कितनी हड्डी तीन, अब जिमेलियस संख्या कितनी होगी इसकी, तो इनका इसकी दो, दो याद हो गई। तो हम पढ़े आए थे 24, 22 सॉरी कितनी 22 और 6 कितनी पढ़ना है, कितनी 29 पढ़ना है, कितनी पढ़ना है 29, थोड़ा और देख लीजिए कहूँ भूल गया काय की 29 पढ़ा रहे हैं, सिर की हड्डी कितनी पढ़ना है 29, हमने इसे कैसे पढ़ना है ए नंबर एक पढ़ना है, हम कौन सी खोपड़ी ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा क्या बी नंबर पे क्या चेहरे की हड्डी, सी नंबर पे पढ़ा हमने क्या कान की हड्डी, अब हमें डी नंबर का पढ़ना है, इनकी संख्या कितनी पड़ी 8, इनकी कितनी पड़ी 14, इनकी कितनी पड़ी से पढ़ेंगे हम 1, कितनी हो जाएंगी गिन सकती हैं कितनी होंगी जी 29 हड्डी याद हो जाएंगी हमें, अगली हड्डी कहां लिखा दूं, ये हो गई कौन सी सी टी, ये हड्डी हाइपोड बोन कैसे कंठिका हड्डी, कंठिका हड्डी हाइपोइड लिख लीजिए, हाइपोइड कहीं कहीं नाम इसका लिखा रहता है हॉयड लिख देते हैं हम, संख्या होती है 1,
सिपाही कौन सी हड्डी है? अब इसका पोजीशन भी पता होना चाहिए कहाँ है, सबकी पोजीशन बताई आपको कि नहीं बताई? अब आपको नाम याद है तो उनकी पोजीशन भी याद है कि नहीं है, कौन सी हड्डी कहाँ पर रहती है? क्यों हाँ याद है तो भूल गए, याद होंगी। ये कहाँ पाई जाती है? सुनो, यहाँ आप जानते हैं ये क्या है, कंठ है, आया ना है कि नहीं? किसी के पास में यहीं पे ही हड्डी पाई जाती तरीके से, ये दिख रहा है आपको आकार ऐसा, ऐसी ऐसी लग रही थी, ऐसे तो नाम से जानते हैं तो आकार की हड्डी, घोड़े के नाल जैसी है। क्या क्यों आकार की हड्डी का आकार ऐसा रहता है? लिख सकते हैं पास में पेपर में, ये पूछते हैं क्यों आकार का भी पूछ सकते हैं या घोड़े की नाल जैसी भी, लिख लीजिए किस प्रकार की हड्डी है, क्यों आकार की हड्डी। कंठ के पास में रहती है, जो आपका ध्वनि यंत्र है ना के पास में रहती है। थायराइड ग्रंथि के पास रहती है, कौन सी ग्रंथि के पास? थायराइड ग्रंथि के पास। दिक्कत, अब आपको हड्डी कितनी याद हो गई? कितनी? 29 हड्डी हो गई याद। अब आप महान आदमी बन गए, पहले पढ़ के आया अब 8 हड्डी, फिर पढ़ी कितनी? 14, फिर पढ़ी आपने 14, फिर पढ़ी 6, फिर पढ़ी 1, हो गई कितनी? यही है, 8 में आपने खोपड़ी क्रेनियम बॉक्स की हड्डी पढ़ी, कौन सी बॉक्स की? 14 काय की पड़ी? चेहरे की। काय की? 6 काय की पड़ी? 1 पड़ी काय की? गर्दन कह दी, आया ना? इन सबको अगर एक नाम से लिया जाए तो क्या कहते हैं? कल बोल, एक नाम से जाने दो, ठीक है ना? सिर की हड्डी में हमें ये अकेला नाम आता है, स्कल कह दी यहां तक को आएगा पूरा, ठीक है? अब पेपर में कैसे पूछेगा ये अलग अलग बात है, तो आपको ये इनका सबका नंबर ध्यान रखना पड़ेगा, किस हिसाब से पूछ रहा है वो उस हिसाब से आंसर लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसने क्वेश्चन दे दिया सिर की हड्डी बताइए कितनी होती है, और ऑप्शन में 29 भी लिख रहा है, और ऑप्शन में आपके लिए 8 भी लिख रहा है, ऑप्शन में आपको 14 भी लिख रहा है, ऑप्शन में आपको 1 भी लिख रहा है, और उसने क्वेश्चन पूछा है सिर की हड्डी बताइए कितनी है, तो आप 29 लगा के आओगे? कितनी लगा के आओगे? अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अब लगा के आओगे 8। समझ में आए ना? चेहरे की हड्डी पूछा है तो कितनी लगाओगे? 14। कान की हड्डी लगाओगे तो कितनी? 6। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड होगा क्या पूछना है, मुझे क्या चाह रहा है भैया अपना, क्लियर है कि नहीं? ये सारी याद हो गई, क्लियर है? कोई दिक्कत? हमें पढ़ना है 80 हड्डी, कितनी? 80। 80 के नाम याद रखना है हमें, कितने के नाम याद करा दिए? 29 के नाम याद होगा, 80 के ही होगा, इन्हें 29 बराबर 80 कितने के याद करा दें? अब आगे की ओर बढ़े, अब मैं इकट्ठे 25 नाम याद करा रहा हूँ, कितने? 25। घबराहट तो नहीं हो रही हमारे? जैसे सर हम दब के इनमें ही हड्डी हड्डी दे रहे हो तुम हमें। आओ अगला, पहला पॉइंट पढ़ा हमने कल बोन सिर की हड्डियां, दूसरे नंबर पे पॉइंट डालिए, स्टर्नम एवं पसलियां, पसलियों को इंग्लिश में रिप्स, स्टर्नम को एक और नाम से जानते हैं चेस्ट बोन, किस नाम से? चेस्ट बोन।
की संख्या लिखिए आप इस तरीके से लिखिए 1 + 12 = 24। इक्वल टू हो जाएगा कितने 25। याद रहेगा तुम्हें सब 25 याद करेंगे लाल, तैयार हो जाओ। तो संख्या जरूर गिन लेना आप, 7 इससे टच है, 7, 3 आपस में टच है, 2 बिल्कुल खुली। बन गई दोनों तरफ 12-12 हड्डी हो गई होंगी, देख लूं फंक्शन 13-14 कर लेंगे तो गड़बड़ा ही है फिर। हेलो देखिए इधर ध्यान से, देखिए इधर बोर्ड पर देखिए ध्यान से, ऊपर की 7 जोड़ी हड्डी, 7 जोड़ी पसलियां, फर्स्ट 7 पेयर रिब्स क्या कहलाती हैं? वास्तविक पसलियां। क्या कहलाती है? वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। रिप्स देख लिया। नेक्स्ट देखिए इधर देखो बोर्ड पर सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7 सात जोड़ी हुई। अब देखिए 8 9 10 तो देखिए इधर 8 9 10 ये कहलाती आवासी पसलियां। फॉल्स रिप्स दिया। आगे देखिए और अब बच गई कौन सी, 11वीं और 12वीं, 11th और 12th ये कहलाती हैं
लाभी पसलियां, फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स, गया। अब आपको नीचे की दो पसलियां ऐसी दिख रही होंगी जैसे हवा में जुड़ी नहीं है ना ऊपर किन से, पर ऐसा नहीं है ये कि पीछे जाके इधर रीढ़ की हड्डी से जाके जुड़ जाती है। किससे जाके जुड़ जाती है? रीढ़ के। आगे से खुली रहती है। मैंने आपको बताया था ये फ्लोटिंग रिप्स सबसे ज्यादा किसमें रहती है? अजगर में रहती है। किसमें रहती है? अजगर में। इसलिए वो एक पूरा का पूरा जानवर को निकल लेता है क्योंकि ये आगे से ऐसी खुल जाती है, बंदर रख लेता, जिंदा का जिंदा ऐसा रख लेता है, समझ में आया ना? फिर पेड़ के ऐसे घूमकर उसे अंदर ही अंदर फिर मार लेता है और फिर पछता है उसके अंदर, ठीक है ना? उसके घूमने से पहले अगर मान लीजिए वो सींगों के द्वारा उसकी चमड़ी को या उसकी खाल में या उसकी जो स्किन है या उसकी जो त्वचा है, ठीक है ना, उसमें छेद करके बाहर भी निकल सकता है क्योंकि वो अंदर जिंदा ही रहता है। बस उसकी ये क्या है, रिप्स जो है, पसलियां जो ऐसे अंदर अपने अंदर से यहाँ पे बंधी है इससे, अच्छा ना, क्यों, हाँ, उसके अंदर बंदी नहीं है, यहाँ से खुली रहती है, पीछे अकेले ये रीढ़ की हड्डी से बंदी रहती है। ऐसा कैसा हो जाता है? मैंने आपको बताया हमारे अंदर कितनी है फ्लोटिंग हड्डी, तो कितनी है, हम 300 ज्यादा होते हैं, कितने ज्यादा होती है 300 से, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे संख्या भी पूछ सकता है, लाभी पसलियां या फ्लोटिंग रिप्स एक मनुष्य में कितनी होती है, कितनी, दो जोड़ी, हाँ हाँ चार ही गई, तो यहाँ चार कही। फाल्स रिप्स आवासी पसलियां कितनी होती है, छह, कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी, दो जोड़ी छह, जोड़ी अलग बन गई अब जा, कितनी होती है, तीन जोड़ी, टोटल संख्या कितनी हो गई, छह। और वास्तविक पसलियां कितनी होती है, सात, सात जोड़ी होती है, दोनों मिला कितनी हो गई, 14, क्लियर है? और ये जो बीच में हड्डी पाई जा रही है ये दिख रही है आपको, इसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं ये बीच वाली, क्या कहलाती है, स्टर्नम, चेस्ट बोन, चेस्ट बोन, ठीक है? तो देखो इधर स्टर्नम कितनी हो गई, एक, और ये हो गई 25, कितनी हो गई, सॉरी 24, 12 जोड़ी हो गई ना, सॉरी 12 जोड़ी 24 हो गई, 24 और एक 25, तो 25 जी नाम याद हो गए, कैसी गराए, याद हुए कि नहीं हुए, याद हो गए, नहीं लाल तुम मान हो गए, अब कितनी करा दी थी, 29 और 25 जी हो गई, कुल मिला कितनी हो गई, कितनी हो गई, 54, 80 करने याद, 54 करा दी आप, 26 और बची, कितनी और बची है, 26, गर्व महसूस हो रहा है, मतलब तो खुद के बारे में जानकर, अंदर का हड्डियों के बारे में जानकर थोड़ा सा लगता है ना कि आप कुछ जानने लगे, इसे ये मत कहिए डीपली साइंस हो रहा है, ये व्यावहारिक साइंस है, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको बताया इसी के अंदर आपका यहाँ पर और यहाँ पर लंग्स रहते हैं, और इसी के अंदर लंग्स के और अंदर फिट रहता है क्या, हार्ट, क्या रहता है, हार्ट। तो कितने सुरक्षा में चीजें रखी है भगवान ने, आप देखिए शरीर की रचना देखिए, इसके ऊपर मांस है, फिर हमारी स्किन है, स्किन, फिर आ जाता है मांस, ठीक है ना, फिर है हड्डी, फिर है लंग्स और फिर है हार्ट, समझ में आया ना? इतनी सुरक्षा है आगे से, अभी तो पीछे से और होना है, फिर की हड्डी आएगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हुआ, समझ में आया? ये पढ़ लिया, ये दोनों पढ़ लिए, चेहरा पढ़ लिया, गर्दन पढ़ ली, छाती की हड्डी पढ़ ली, पसलियां पढ़ ली, अब जा रहे हैं हम पीछे बैकबोन पढ़ने की, तो हेडिंग डाली रीढ़ की हड्डी, बैकबोन,
एक बोन। एक और इसका नाम हम जानते हैं मेरुदंड कहते हैं, नीम क्या कहते हैं मेरुदंड, लिख सकते हैं आप। मेरुदंड वर्टिब्रल, देख लिया ये तुम्हें, इधर देखो अब तुम सुन जा, ये तुम्हें ये लाइट फिटिंग दिख रही है, नहीं दिख पा रही, पाइप दिख रहा है आपको, ऐसा ही पाइप रहता है ये गोल, ठीक है ना, अंदर से खोखला, अंदर से कैसी रहती है खोखली रहती है, कैसी रहती है, इसके अंदर क्या रहता है वो सुने आप, नाले का सुनो तो ध्यान, इसके अंदर ये जो मेरुदंड है ठीक है ना, इसके अंदर पाई जाती है नसें, मेरुरज्जू, क्या पाई जाती है मेरुरज्जू, इंग्लिश में कहते हैं उन्हें स्पाइनल कॉर्ड, क्या कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर, मेरुदंड के अंदर ठीक है ना, वर्टिब्रल के अंदर कितनी मेरुरज्जू पाई जाती है, कितनी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, 31 पाई जाती है, 31 जोड़ी, कितनी संख्या होती है 31 जोड़ी पाई जाती है ठीक है ना। इधर सुनो तुम ध्यान से, अपनी खुद की रीढ़ की हड्डी से हाथ लगाओ वैसे तो आपको थोड़ा सा आकार समझ में आए, इतनी बड़ी तो नहीं है, इतनी का चौड़ी है, का रीढ़ की हड्डी इतनी चौड़ी, तुम इतनी चौड़ी, रीढ़ की हड्डी जा रही है तो आप देख रहे हैं इतना सा है, उसके अंदर 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बारीक नसें होंगी उसके अंदर, आया ना, कितनी बारीक नसें होंगी उसके अंदर, इसलिए क्या है कि रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पे चोट आ गई और चोट गहरी हो गई और स्पाइनल कॉर्ड तक चोट पहुंच गई, दुनिया में इलाज नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसलिए आपने देखा है डॉक्टर मना कर देता है रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, समझ में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं हो सकता, समझ में आया, जो नस है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पकड़ी नहीं जाएगी, उसके अंदर पकड़ी नहीं जाने, इतनी बारीक बारीक रहती है, आप सोचिए ना इसके अंदर 31 जोड़ी है तो कितनी बारीक होगी, कौन पकड़ लेगा, दूसरी बात रीढ़ की हड्डी कोई ऐसा नहीं कि एक पाइप, उसके 26 टुकड़े हैं, कितने टुकड़े, और एक और आता है यहाँ, ये जो टुकड़े हैं ना अपने आप में असमान है, इरेगुलर है, मतलब इनका आकार निश्चित नहीं, एक बड़ा एक छोटा, अलग अलग आकार के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके की हड्डी है। अब बच्चों में ये हड्डी 33 कितनी, हम लोगों में ये 26 हो जाती है, मिल जाती है ठीक है ना, इसके सबसे नीचे वाला भाग जो रहता है ना, सबसे नीचे तो ये मान के चलिए उसमें पूछ होती थी, पहले क्या होती थी पूछ, अब पूछ तो खत्म हो गई लेकिन वो टुकड़ा रह गया है जहां से पूछ जुड़ी थी, समझ में आए ना, तो कभी उसका अब वो शरीर में रहे पहले से ही, कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है कि शरीर की कोई से बाकी ऐसी हड्डी है जो चकनाचूर हो गई, अब उसे डॉक्टर समझ ही नहीं सकते, और वो हड्डी आपके शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि आपका तो ढांचा ही बिगड़ जाएगा, नहीं तो यहाँ की हड्डी निकाल के वहां लगा देते, वो डॉक्टर और ज्यादा होशियार होता है, ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर ही हो जाए हड्डी अलग से, तो वो क्या करता है वहां से हड्डी को उठाएगा वहां जाके लगा देगा, यहाँ की हड्डी खत्म हो गई। तो कितनी संख्या होती है इसकी, दो प्रकार से लिखना, होती है 33 एक बार आप
पसलियों को रिवीजन करके देखें, फिर ना देखें क्या दें कि नहीं है। नमस्ते, मेरे और BSC इंस्टीट्यूट की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। डायग्राम बनाएंगे अपन, देख लीजिए सब। और इधर संख्या देखिए अब इनकी, इधर सुनो, इधर ये कितनी जोड़ी, 7 और 12 19 और 5 क्लियर है, दोबारा देखो 7 और 12 5 5 लिख रहे हैं, कितने होते हैं बच्चों की हो गई एडल्ट की हो गई, तो ये 5 जो टुकड़े थे ये बड़े होकर क्या हो जाता है, एक बन जाता है, क्या बन जाता है, एक बन जाता है, और ये जो भाग देख रहे हैं ये भी 4 टुकड़ों में रहता है, कितने बन जाते हैं, एक बन जाते हैं, समझ आए ना। तो 33 और 26 में समझ में आ गया आपको, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपके ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके मैंने आपको ये भाग बता दिए कौन कौन से, ये देखो सर्वाइकल पेन सुना होगा आपने, होता है कि नहीं, तो समझ गए सर्वाइकल पेन कहाँ होता है, ये होता है, ये गर्दन जांदा जो मोबाइल में लगी रहती है ना, तो यहाँ सर्वाइकल पेन होने लगता है, तो गर्दन जांदा झुकी होने के कारण इसमें पेन हो जाता है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस इसमें आया। और आप जानते हैं कि ये भी सुना हुआ सर्वाइकल पेन आने पर वो सही नहीं होता है, सुना है कि नहीं, मतलब बहुत कम चांस होते हैं, क्यों चांस होते हैं, आपने रीढ़ की हड्डी टेढ़ी कर ली,
समझ में आएगा नहीं आया। अब जो दिन भर मोबाइल में लगा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आ रही है, तो परमानेंट फिर क्या बन जाएगा, पेन बन जाएगा, कोई समझ नहीं, दर्द ज्यादा और चलाने लगा मतलब दर्द चालू हो गया तो अब तो मोबाइल छोड़ना पड़ेगा उसे, और फिर भी किसी दिन चलाए तो इतना भयानक दर्द होगा कि गोलियों से भी टैबलेट खाता रहे, पेन किलर खाता रहे, ये दिक्कत होता है। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, नीचे किताब रख के पढ़ रहा है, तो भी गर्दन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो भाया ना, इसलिए टेबल कुर्सी सबसे बेस्ट रहती है, तो उस पर क्या गर्दन पूरी ऐसी झुकती नहीं है, हम ऐसे होकर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अब यदि एक हट जाए और आपको नीचे बैठा दें और फिर किताब रख के आप पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा पेन यहीं पर आएगा, प्रेशर आएगा कि नहीं, हाँ या ना, और लगातार ऐसा करने से सर्वाइकल पेन होने लगता है।